हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फिट ट्रेनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस ईगल आई व्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक में बाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। 21,792, देखिए मैंने बोला भी था 21,792 कैन बी एरिया एज वेल आफ्टर दैट ब्लू सपोर्ट, अगर वो टूटता है तो। देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने बोला था, ये जो ब्लू हमारा सपोर्ट एरिया था, ये पर्टिकुलर एरिया टूटता है तो मैंने ये वाला सपोर्ट एरिया आप लोगों के साथ शेयर किया था। मार्केट देखिए आज उसी एरिया के आसपास से कल भी हमें आके टैप करके वहां से थोड़ा सा रिवर्स हुआ था, क्लोजिंग उसके ऊपर हुई थी। आज भी देखिए मार्केट उस एरिया के नीचे तक गया था बट अल्टीमेटली क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई है। तो हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे कैंडल बन गया ना, यहाँ पे डोजी कैंडल बन गया। इस सपोर्ट के आसपास ये जो डोजी कैंडल बना है ये हमें ये बताता है कि अगर ये डोजी कैंडल का यहाँ पे फॉलो अप आता है तो मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा एक पुल बैक ले सकता है। पुल बैक कहाँ तक ले सकता है? पुल बैक इस एरिया तक हमें लेता हुआ दिख सकता है, 22,158। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर अगर चाहे तो फॉल को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया? दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि यहाँ पे अभी जो ये डोजी कैंडल यहाँ पे बनी है, आपको देख रहे हैं बड़े विक के साथ यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गई है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर प्राइस कल इसके लो को ब्रेक करता है तो आप सीधा समझ लीजिएगा ये हमारा नेक्स्ट लेवल होगा, इसके पहले मार्केट यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। ये मेरा मानना है, निफ्टी के चार्ट को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट इस एरिया के आसपास और एक डोजी बनाता है और फ्राइडे को फिर किस तरीके से क्लोजिंग होती है उसके आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि निफ्टी यहां से क्या कर सकता है आने वाले समय में। तो आज मैं कुछ स्टॉक आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है मार्केट अभी सही से मूव नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अभी पर्टिकुलर जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, काम करना ना करना वो बेसिकली आपका कॉल होगा। बट मुझे बहुत लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि सर आप डेली वीडियो बनाइए, भले ही मार्केट चले या ना चले हम थोड़े थोड़े पैसों के साथ उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाए तो 4-5 लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर आप वीडियोस बनाइए, क्योंकि आपके वीडियोस देख के हम लोग थोड़े थोड़े पैसे में ही काम करते हैं बट हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो आज लेके आ गया हूं। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला स्टॉक होगा वो है गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो को देखिए यहाँ पे लाने का मेरा एक सिंपल रीजन है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं, प्राइस देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये था एक हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, इस एरिया के आसपास देखिए प्राइस पहले आया था, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया, तीसरी बार देखिए प्राइस यहाँ पे आके यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से हमें और एक मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्राइस इस तरीके से ब्रेक करे, उसके बाद इस तरीके से हमें रिक्लेम करके रिटेस्ट करके बाउंस करता हुआ दिख जाए। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर यहाँ से हमें फॉलो अप मिलता है तो हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं? हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 115 रुपए के आसपास का, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 130 रुपए के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज गोकुल एग्रो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इस पर्टिकुलर स्टॉक को लाने के देखिए मेरा एक सिंपल रीजन है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये मेरा छोटा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली देखिए रिजेक्ट हो रहा था, प्राइस ने इसे ब्रेक किया, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बनाया और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। इस एरिया के आसपास अगर हम देखिए सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया है, प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास का लाइन ओवरऑल टच कर लिया और यहाँ से प्राइस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से हमें 20% तक के रिटर्न दे सकता है। हमारा पहला टारगेट होगा 520 के आसपास का, हमारा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे 570 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है क्यूबेक्स टाइमिंग्स। देखिए क्यूबेक्स टाइमिंग्स मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ शेयर किया था और मैंने पहला आपको ये टारगेट दिया था, अगर आपको याद होगा ये मैंने इसके प्रीवियस हाइस को आपको पहले टारगेट दिए थे और उसके बाद मैंने ये दोनों टारगेट्स बताए थे। तो अगर इस एरिया से हम देखें, इस एरिया से इसने कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दे दिया है, ऑलमोस्ट इसने अगर हम यहां से देखें तो ये कब का डेटा, जनवरी के आसपास का, राइट। यहां से देखिए इसने यहाँ पे 40 यहां से इसने ऑलमोस्ट 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। प्राइस देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया, हल्का सा रिटेस्ट हुआ, प्राइस दोबारा यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो प्राइस अभी क्या कर सकता है, हमारे नेक्स्ट टारगेट तक जा सकता है, 102 से लेके 120 यानी कि 20% तक का मोमेंटम अभी हमें यहाँ पे
क्विकली देखने को मिल सकता है। और अगर ये एरियाज कवर होते हैं तो आने वाले समय में हमारे ये जो टारगेट हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग मेजर करके लगाए थे वो टारगेट भी हमें अचीव होते हुए दिख जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट इज क्यूबेक्स टाइमिंग्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सालजर इलेक्ट्रॉनिक। देखिए सालजर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पे लाने का एक सिंपल रीजन है, प्राइस यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पे जो एक इंपल्सिव रैली करी थी, इंपल्सिव रैली के बाद हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। रिट्रेसमेंट के बाद जब कोई रैली शुरू होती है ना तो मेरा फेवरेट सेटअप होता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक मोमेंटम दिया, रिट्रेस करा और रिट्रेस करके देखिए प्राइस यहाँ पे दोबारा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे स्विंग में टारगेट क्या हो जाएंगे, हमारा जो स्विंग का टारगेट होगा वो होगा पहला 871 के आसपास का, सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 994 यानी कि 1000 रुपीज के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज सालजर इलेक्ट्रॉनिक। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है डीपी आभूषण। देखिए डीपी आभूषण मैंने इस एरिया के आसपास आप लोगों के साथ कहीं पे शेयर किया था। यहाँ से देखिए प्राइस ने क्या करा है, हमारे यहाँ पे जो दो स्विंग के टारगेट थे वो दोनों अचीव हो चुके हैं। प्राइस अभी हमारे एरियाज को भी पार करके ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 957 के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 1021 के आसपास का, जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज डीपी आभूषण लिमिटेड। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली चार्ट बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।